हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरा नाम है रवि कुमार, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो। रवि, मैंने कल एक ऐसी वीडियो डाली थी होटल जॉब्स इन सिंगापुर, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। उसमें ये मुझसे पूछा गया था कि सर, जो होटल जॉब्स इन सिंगापुर फॉर स्पेशली इंडियंस और एशियंस के लिए एस पास अवेलेबल है, उसकी एजेंसी फीस क्या है। सो मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी पूछा कि सर, आप पहले कैसे आए थे, कितने साल पहले आए थे, किस एजेंट के थ्रू आए थे। सो आज मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, ये वीडियो आप शेयर कर दो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। और मैं आपको एक एज ए होटलियर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा एक नया चैनल आया हुआ है, इंडियन फूडी इन सिंगापुर, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप शेयर करो, उस चैनल को आप प्रमोट करो। जिस हिसाब से आपने इसमें प्यार दिखाया है, उसी तरह से आप प्यार दिखाओ। मैंने आज ही एक वीडियो उसमें डाली है, जो लाइव की लाइव से जो सेम उन्होंने जो प्रिपरेशन करी उसकी वीडियो है। और उसमें मैंने जो फूड का रिव्यू करा है उसका है, उसका जो आई बटन में इधर आ रहा होगा, उस वीडियो को आप शेयर करो। ऐसा ही प्यार दिखाओ जैसे, ताकि मैं प्रमोट हो सकूं, ताकि मैं आपके प्यार को जो आप प्रोत्साहन लेके आगे आने वाले फ्यूचर में और वीडियो अच्छे से बना सकूं, ताकि आपको इंजॉय हो सके, आपके नॉलेज शेयर हो सके इस चैनल पर। और अगर फूडी के लवर्स हो तो आपको वहां पता लगेगा कि सिंगापुर में किस तरह की फूड अवेलेबल है, क्या प्राइस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, मैं आया था 2009 दिसंबर के आसपास। सो मैं बता रहा हूं कि उस समय एजेंट फीस क्या हुआ करती थी और आज क्या, क्योंकि कुछ एजेंट हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि होटल जॉब्स इन सिंगापुर जो एस पास के लिए है, उसमें जो है, अब एस पास क्या है अगर आपको वो भी जानना है, तो इधर आई बटन पर आ रही होगी वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। काफी वीडियोस हैं, काफी इंफॉर्मेशन उधर है। सो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो एजेंट फीस क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही मिथ फैला हुआ है, बहुत ही किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या एजेंसी फीस होती है। देखो, सबसे पहला, अगर आपका कोई इंप्लॉयर जान पहचान का या फ्रेंड के थ्रू आपकी हेल्प होती है, या किसी सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा हो या ऑनलाइन के द्वारा, तो शायद कुछ भी फीस ना लगे। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो, क्योंकि आप किसी एम्प्लॉयर को नहीं जानते, आप कैसे जॉब के लिए एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, सो किसी थर्ड पार्टी यानी एजेंट जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या फीस होती है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास डिग्री, आप एस पास के लिए होटल्स में जॉब करना चाहते हो, तो पहले आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि एस पास की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या क्राइटेरिया है, क्या वीजा प्रोसेस होता है, क्या आईपीए होता है, उसके बाद मेडिकल कहाँ कराना है, कैसे कराना है, कहाँ होता है, कितने साल का होता है, आईपीए को चेक कैसे करा जाता है। ये सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं पैसों की बात करूँ कि कितने पैसे लगते हैं। 10 साल पहले जब मैं आया था, तो उस समय जो $1 की जो वैल्यू थी, 31 रुपीज थी और 29 रुपीज। आई डिसम्बर 2009 आई थिंक आई रिमेम्बर 29 और 28 के आसपास था। फिर उसके कुछ एक साल बाद 31 किया। तो उस समय मैंने जब एजेंट फीस जब पता करी थी, मेरे दोस्त वगैरह सब आए थे, जब उन्होंने 1,75,000 से 2,00,000 के बीच में उस समय हो रहे थे, तो उसमें कि अगर 30 के हिसाब से कैलकुलेशन करी जाए 2,00,000 रुपए की, तो $6,000 के आसपास, $6,000 और 6,500 के आसपास, और $6,000 से $7,000 आप मान सकते हो उस समय। तो अगर 2,00,000 थी, 7,000, तो 7×21 $2,10,000, तो कुल मिला के $7,000 और 6,000 एस पास की, जिसमें आपको 2 साल का एस पास मिलता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश है तो कंटिन्यू होता रहता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। अब आज के केस में जो सिंगापुर डॉलर की वैल्यू है, वो है ₹52.53। तो उस हिसाब से अगर हम 6,000 और $7,000 एग्जाम्पल के बात करें, $6,000 है, तो उसके हिसाब से जो एजेंट फीस है 3,50,000 रुपए है। तो 3 से 4 लाख रुपए के बीच में अगर किसी का एस पास होता है, काफी हद तक सही है, क्योंकि उसकी सैलरी अगर आपको 1500 के आसपास मिलती तो 75,000। उस समय में मेरे को 1200 या 1500 मिलती थी, तो उस समय में उतने ही होते थे 45,000। लेकिन अगर आप 1500 अभी कैलकुलेट करोगे तो आपके 80,000 के आसपास आएगी सैलरी। सो 3 to 4 lakhs फॉर एस पास। अब आपको एस पास में ये अप्लाई करेगा, ये आपको फ्रॉड कैसे होता है, यार ये बहुत आकर लफड़ा चल रहा है, ये आपको खुद प्रिपेयर होना है कि कैसे क्या होना है। पहले इंटरव्यूज होता है, फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है उधर, क्योंकि आपका COVID-19 चल रहा है, तो मेडिकल चेक, उसके बाद आपका एस पास एप्लीकेशन आईपीए आएगा। आईपीए की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख लेना। आईपीए में फिन नंबर होता है, आप फिन नंबर MOM की वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हैं आपका वीजा ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद आप इधर आएंगे, आपका यहाँ
मेडिकल होगा और यहाँ MOM के थंबप्रिंट फोटोज वगैरह होंगे। उसके बाद विद इन 2 वीक्स आपका एक परमिट कार्ड एस पास का हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस होती है। सो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे उस चैनल को प्यार देना जिस हिसाब से आपने सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।